है चलिए। कि उसने अगर 1% 10% जो है लॉस पे बेचा, तो ऑब्वियसली बेचा होगा तो कोई प्राइस तो होगा, SP1 एक प्राइस होगा जिस प्राइस पे उसने सेल आउट किया होगा। एंड आफ्टर दैट अगर ईवो जो है 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी SP2 होगा, ऑब्वियसली अगर 10% प्रॉफिट पे बेच रहे हो तो प्राइस कुछ और होगा। ये अंडरस्टैंड करने की बात होती है कि अगर हमने किसी भी चीज को जो है परचेज किया तो दैट इज आवर कॉस्ट प्राइस। नाउ इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उसको किस पे बेचना चाहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन मी, मैं उसको 10 रुपीज का प्रॉफिट दूं, 20 रुपीज का प्रॉफिट दूं, 30 रुपीज का प्रॉफिट दूं, तो सेलिंग प्राइस मे वेरी बट द कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज फिक्स। किसी भी इस आर्टिकल का जो है कॉस्ट प्राइस हमेशा फिक्स रहता है क्योंकि हमने उसको परचेज कर लिया, देन वी हैव पेड दैट अमाउंट, तो वो अमाउंट तो फिक्स हो गया। अब हम उसको बार बार तो नहीं कर सकते हैं, तो वो अमाउंट फिक्स है। Now, अब अगर हमने जो है उस आइटम को जो है क्या किया, एक बार लॉस में बेचा, तो लॉस में बेचा तो उसका सेलिंग प्राइस कुछ और होगा। एंड व्हेन वी सोल्ड एट गेन 10%, देन द सेलिंग प्राइस विल बी समथिंग मोर। अब कह क्या रहा, व्हाट इज द रिलेशनशिप इज गिवन बिटवीन दीज टू सेलिंग प्राइसेस, दैट इज SP2 इज 940 रुपीज मोर देन दैट ऑफ SP1, है ना। कि अगर हम 10% प्रॉफिट उससे, तो हमें क्या है 940 रुपीज एक्स्ट्रा मिलते हैं। वी आर गोइंग टू गेट 940 रुपीज, हमें 940 रुपीज जो एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, रिलेशनशिप क्या है। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, कई रिलेशन बना सकते हैं कि SP1 प्लस 940 विल गिव्स यू SP2, ऐसा रिलेशन भी बना सकते हैं। या ये रिलेशन भी बना सकते हैं कि SP2 माइनस 940 इज इक्वल्स टू दैट इज SP1 भी हो सकता है, या हम ऐसा भी बना सकते हैं कि SP2 माइनस SP1 दैट इज इक्वल्स टू 940। सो वी आर हैविंग सो मेनी ऑप्शन, क्लियर, अंडरस्टैंड दिस वन। सो ये सारी चीजें हो सकती हैं, प्राची समझ में आ रहा है, ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन को आपके ऊपर अंडरस्टैंड करना है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कि अगर हमने कोई आर्टिकल सोल्ड परचेस किया है, परचेस करने वाले उसको हम सोल्ड कर रहे हैं, सो वी आर हैविंग अ डिफरेंट कंडीशन। इन वन कंडीशन वी आर हैविंग अ लॉस ऑफ 10%, इन अदर कंडीशन वी आर हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ 10%। लेकिन दोनों ही कंडीशन में क्या है, एक डिफरेंस आ रहा है, रिलेशन आ रहा है, दैट इज कि बोथ आर डिफर बाय 940। तो हमने क्या किया, ये लॉजिक इस्तेमाल किया कि हमने ये सबसे सिंपल समझा कि यानी दोनों ही सेलिंग प्राइसेस में डिफरेंस कितने का, 940 का। अब हमने इस पे कैलकुलेट कर दिया। अब अगर हम इसको एक्स लेते हैं, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस विल बी योर 100 माइनस, अब कितना रहेगा, दैट इज 10 अपॉन 100 इनटू एक्स, जबकि ये कितना हो जाएगा, तो 100 प्लस 10 अपॉन 100 इनटू दैट इज एक्स जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करोगे आपको क्या मिलेगा, 110 अपॉन 100 एक्स माइनस 90 अपॉन 100 एक्स दैट इज इक्वल्स टू 940। राइट, डिपेंड्स ऑन अस। अब हम सॉल्व कर सकते हैं, 110 माइनस 90 एक्स इक्वल्स टू 940 इनटू 100, तो इसको माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 20 एक्स इक्वल्स टू 940 इनटू 100। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, x is equal to 940 into 100 upon that is 20. Is that clear? ठीक है, तो just it is only to depends on कि हम इसको कैसे understand करते हैं, then depends on you कि आप कैसे solve करते हैं। Understanding के ऊपर है और solve करने के ऊपर है, लेकिन concept कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, ये diagram के अंदर concept है, आप diagram को understand कर लीजिए, you understand, ठीक है। सो चलिए, अब हम लोग एनी अदर प्रॉब्लम टू एनीवन, किसी को इसमें एक्सरसाइज में या किसी को एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो जस्ट टेल मी, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस काउंट। ओके, और नहीं है यस।
सर प्लीज टेल क्वेश्चन नंबर 33। 33 में प्रॉब्लम कहां पर आ गया? देखिए मैं इनको 33 जो क्वेश्चन नंबर है और 34 वो दोनों एक ही सेम क्वेश्चन है, तो अगर आपने 33 नहीं सॉल्व किया तो 34 आपने किया ही नहीं होगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए 33 और 34 को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ आपको, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा, ऑलरेडी बहुत सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम किसी चीज को परचेस करते हैं, जैसे इन्होंने क्या किया, प्लॉट को परचेस किया, तो प्लॉट का अपना एक सेलिंग प्राइस होगा एंड ही डिसाइडेड कि हमें ओवरऑल 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो हमने भी एक सेलिंग प्राइस भी डिसाइड किया होगा। इज दैट क्लियर? ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? इतना प्रॉफिट चाहिए, वंस ही डिसाइडेड कि हमें इतना चाहिए तो आपने इसका कैलकुलेट किया था 5,28,000 समथिंग समथिंग आया था आई थिंक, है ना? So, वो उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया कि हमें प्रॉफिट चाहिए, so, वो प्रॉफिट क्या है वो इतना फिक्स हो गया। Is that clear? लेकिन अब क्या कर रहे हैं, तो प्लॉट को जब सेल आउट कर रहे हैं तो उन्होंने प्लॉट को एक बार में सेल आउट नहीं किया, उन्होंने प्लॉट को दो पार्ट में सेलिंग आउट किया। तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या किया, लॉस उठाया, ठीक है, और सेकेंड पार्ट में क्या करना, लॉस उठाया मतलब उन्होंने अपने एक सेलिंग प्राइस निकाल लिया SP1। सेकेंड पार्ट को भी वो एक क्या करेंगे, दूसरे प्राइस में सेल करेंगे, और इन दोनों का सम यानी SP1 प्लस SP2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, दैट इज टोटल SP होना चाहिए। नाउ टोटल SP इज नोन टू अस, दिस SP1 वी कैन कैलकुलेट, सो वी कैन फाइंड आउट ना SP2, हम SP2 निकाल सकते थे SP माइनस SP1, जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे SP2 तो हमें मिल जाएगा कि CP इज ऑलरेडी नोन टू अस, तो फिर वी कैन कैलकुलेट ना कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ, कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, दैट वी कैन कैलकुलेट, ठीक है मैम? तो इस तरीके से यानी कॉन्सेप्ट डेवलप करो, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, व्हाट द क्वेश्चन वांट्स टू से, ठीक है? उसके बाद तो फिर आपने वीडियो में जाकर देखिएगा कि सर ने क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया था, ठीक है? बस कॉन्सेप्ट ये है। नाउ यस, वॉइस इज नॉट कमिंग, बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं, क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि सिर्फ किसी के साथ हो रहा है ऐसा प्रॉब्लम? कमिंग सर। ओके, इट्स ओके। सो नाउ वी कैन स्टार्ट दिस वन, डिस्काउंट एग्जाम्पल नंबर 7 नॉट अंडरस्टूड। एक मिनट, चलिए इनके एग्जाम्पल नंबर 7 ही देख लेते हैं। ये तो और भी इजी है, क्या नाम से क्रिश क्वेश्चन कह रहा है, बाय सेलिंग अ 33 मीटर ऑफ क्लॉथ अ ड्रेपर लूजेस एन अमाउंट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर ऑफ क्लॉथ। यानी कह रहा है कि अगर हम 33 मीटर क्लॉथ का सेल आउट करते हैं तो हमें उसमें जो है इतना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, एंड दैट लॉस इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर, किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर। अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है, क्लियर क्रिश? समझ लीजिए इसको, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई शॉपकीपर जो 33 मीटर जो है क्लॉथ सेल आउट कर रहा है तो उसको लॉस हो रहा है, एंड दैट लॉस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर। तो अगर हमने पहले ही मान लिया कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर दैट इज इक्वल टू 1 रुपीज, अगर हमने ले लिया तो 33 मीटर का कितना हो जाएगा, दैट इज 33 रुपीज हो जाएगा, ठीक है? नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ दैट इज 3 मीटर का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 3 रुपीज होगा, एंड दिस सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है, लॉस के बराबर है। सो व्हेन वी नो द लॉस वी नो द सेलिंग प्राइस, सो सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर का हमें पता है और 33 मीटर में लॉस कितना हो रहा है, इतने का हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना होगा, ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, एंड कॉस्ट प्राइस इक्वल टू किसके बराबर है, CP ऑफ 33 मीटर दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, SP ऑफ 33 मीटर प्लस लॉस ऑन
33 मीटर के सेल करने पे जो हमें लॉस हो रहा है उसी के बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा, एसपी विल बी 33 और लॉस कितना हुआ हमें 3 रुपीज का, तो दैट इज इक्वल टू 36, यानी हमारा सेलिंग प्राइस कितना था 36 रुपीज था, तभी तो 3 रुपए का लॉस हो रहा था, ठीक है। So now we know the selling price, we know the this one, so we can calculate. अब आपको calculate क्या करना है, that is loss percent. So loss percent, we can calculate the loss percent. ठीक है ना, तो loss percent कितना जाएगा, that is 3/36 × 100. So that is a 12. So 25/ कितना जाएगा 3%. देखो आंसर, ठीक है, समझ में आया, ये क्या है रचना, आपने ये क्या बनाया है, क्रिश समझ में आ गया ना सभी को। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू एक्सरसाइज, ठीक है। डिस्काउंट, अब देखिए डिस्काउंट को समझने की कोशिश करेगा, पहले हम लोग जो चीजों को जब तक प्रैक्टिकली अपने लाइफ में नहीं समझते तो थोड़ा सा क्या है अंडरस्टैंड करने के लिए करो। डिस्काउंट क्या होता है, क्लियर, सो ऑल ऑफ यू हैव, ठीक है, तो सभी ने डिस्काउंट आपने देखा होगा, यस सबने जो है डिस्काउंट लिया भी होगा। सो डिस्काउंट क्या चीज होता है एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द डिस्काउंट, डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। तो डिस्काउंट है क्या चीज, पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो होता क्या है कि कभी कभी कि हम लोग क्या करते हैं, शॉपकीपर जो है बहुत सारा परचेसिंग कर लेते हैं एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑफ सीजन, ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं कि अब सेल आउट मतलब उसका सेल नहीं होता है तो देयर आर सम गुड्स आइटम जो है वो रह जाते हैं, उसका नुकसान उठाने से पहले वो नुकसान उठाए, वो क्या करता है कि अपने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, जस्ट ओनली फॉर द अट्रैक्शन एंड टू इंक्रीज द सेलिंग रेट, यानी अपना सेल को बढ़ाने के लिए और अपना जो है जो कस्टमर्स है, कस्टमर्स की नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज करने के लिए दे आर हैविंग वन टूल दैट इज नोन एज डिस्काउंट, ठीक है ना। तो डिस्काउंट कुछ नहीं है, डिस्काउंट क्या है, इट इज अ टूल यूज्ड बाय द शॉपकीपर्स टू अट्रैक्ट द पीपल्स, है ना, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और कैसे इस डिस्काउंट में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, जैसे भी आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत अच्छे से बेवकूफ बन जाते हैं वहां पर जाकर, तो वो कैसे होता है, क्या होता है, हम लोग उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यस एक के साथ एक फ्री, एक के साथ दो फ्री, है ना, 20% off, 50% off, सी दीज आर द वेज टू गिव अ डिस्काउंट, ये तरीके होते हैं जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। यस बिल्कुल, ऑफ कोर्स आजकल जो है वो डिस्काउंट अलग अलग तरीके से होता है, डिस्काउंट जो है वो परसेंटेज में भी होता है, डिस्काउंट ऑन कैश भी होता है, डिस्काउंट ऑन की एक्सचेंज में भी होता है, जैसे कि एक के साथ दो ले लीजिए, तो ये सारी चीजें हैं, तो इस तरीके के, तो ये जो आपका इट इज अ टूल जस्ट ओनली टू अट्रैक्ट द नंबर ऑफ दैट इज कस्टमर्स इंक्रीज करने के लिए, पीपल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, इट इज वन ऑफ द वे, ठीक है ना। तो डिस्काउंट क्या है, दैट इट इज अ ऑफर गिवन बाय द शॉपकीपर, इट इज अ रिडक्शन इन अ प्राइस, ठीक है ना, इट इज अ रिड्यूस्ड प्राइस, दैट इज अ प्राइस रिड्यूस्ड बाय द शॉपकीपर जस्ट ओनली टू अट्रैक्ट द पीपल, ठीक है, पीपल्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करता है शॉपकीपर, अपना प्राइस जो है कॉस्ट आपका जो सेलिंग प्राइस क्या करता है रिड्यूस कर देता है, दैट इज सेड टू बी अ दिस वन। So it is now it is clear to all of you, discount kya hai, all of you are familiar with the discount. Now let's see how this discount works. Ye discount work kaise karta hai, to discount work karne se pehle hota kya chahiye na, sari cheeze hum understand karte hain. Dekhiye sabse badi cheez kya hai ki shopkeeper ne purchase kiya logo ko, that is said to be a cost price, isko understand karega. Dekhiye bahut easy si cheez hai lekin concept bahut tagda hona chahiye, theek hai. तो कॉस्ट प्राइस क्या है आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दैट इज नाउ एक शॉपकीपर ने क्या किया, एक चीज को खरीदा और उसे कर दिया,
ना होता क्या है कि इस आइटम पे जब भी आप कोई चीज खरीद के लाते हैं तो वो कभी भी जो उसका कॉस्ट प्राइस है, जो शॉपकीपर ने जिस प्राइस पे परचेस किया हुआ है, ये प्राइस आपको हमेशा अननोन रहता है। ये हमें कभी पता नहीं चलता है कि हमें नहीं पता रहेगा कि क्या है इसका प्राइस, क्या चीज है, हमें किस प्राइस से हम इंट्रोड्यूस रहते हैं। तो हमारे पास दो प्राइजेस होती है, वन इज योर दैट इज मार्क्ड प्राइस, अनदर वन इज योर लॉक दैट इज अ लिस्टेड प्राइस, ठीक है। और एक और होता है दैट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, अब होता क्या, जैसे आपने हमेशा जब भी शॉपकीपर के पास गए तो क्या होता है, जैसे आपने एक चॉकलेट परचेस की, भाई अंकल चॉकलेट कितने की, वो क्या करता है, हाँ यस बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, यही होता है क्या, एमआरपी होता है, तो देखते हैं इसका एमआरपी कितना दिया हुआ है, और दुकान वाला क्या करता है आपको एमआरपी में दे देता है। अगर वो एमआरपी पे परचेस करके लाता है और आपको एमआरपी पे दे रहा है तो उस बेचारे को तो नुकसान ही नुकसान होगा, फायदा कहाँ पे हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो उसने परचेसिंग की है वो एमआरपी पे नहीं की है, ठीक है ना, यानी उसने एमआरपी पे परचेसिंग नहीं की है, यानी उसने जो परचेस किया है दैट कॉस्ट प्राइस विल बी डिफरेंट। तो ये एमआरपी क्या चीज होती है, एमआरपी क्या चीज है, एमआरपी क्या होता है कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरर कोई चीज मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है ना, वो क्या करता है उसके ऊपर एक प्राइस टैग डालता है जिसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी वो पहले से डिसाइड कर लेता है कि मैक्सिमम व्हेन यू आर रिटेलिंग एनीथिंग देन हाउ मच यू आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम कस्टमर, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट इज योर दिस वन। यानी अगर हमने इस मार्कर के ऊपर लिख दिया कि इस मार्कर के ऊपर एमआरपी डाल दिया 50 रुपीज, यानी मैन्युफैक्चरर ने भले इसको 2 रुपए का बनाया हो या 10 रुपए का बनाया हो, बट ही वांट्स कि ये ज्यादा से ज्यादा आप इसको कितने पे बेच सकते हो, तो आप इसको 50 रुपीज पे बेच सकते हो मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट। अगर आप उससे ज्यादा बेच रहे हो मतलब आप जो है अब चीट कर रहे हो कस्टमर के साथ, यानी एक्स्ट्रा मनी लेने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। यानी वो पहले से मैन्युफैक्चरर डिसाइड कर देता है कि मैक्सिमम हाउ मच यू आर गोइंग टू, कि अगर आपने एमआरपी पे सेल किया देन आल्सो द रिटेलर मस्ट हैव अ प्रॉफिट, यानी वो पहले से ही चीज मैन्युफैक्चरर जानता है, तो वो एक मैक्सिमम लिमिट दे देता है कि कितना, अदरवाइज तो पीपल्स आर फ्री टू आस्क एनीथिंग, ठीक है ना। अब मैंने इस मार्कर के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो पता चला एक आदमी इसको 100 रुपए में भी बेच रहा है, अब वो यू आर गोइंग टू नो दैट कि कितने में आता है, ठीक है। सो दैट्स नहीं, वो ठीक है, वो अलग बात हो गई है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर, ये मतलब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है कि दैट यू मस्ट हैव टू मेंशन द एमआरपी, आपको एमआरपी मेंशन करनी है सो दैट द पीपल कैन नो कि ये जो इसका मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस कितना हो सकता है, सो दैट ही कैन आस्क कि उसके साथ चीट आउट नहीं हो रहा है या कोई इसके साथ चीटिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड यू आर फ्री टू आस्क, आपके पास बिल्कुल फुल राइट है, जैसे दुकानदार पास जाते हैं ना, बोलते हैं अंकल इसमें कुछ डिस्काउंट दोगे, बेटा अब आपको एमआरपी को तो दे दिया, हमने तो इसमें कुछ लिया ही नहीं, आप कितना बड़ा बेवकूफ बनाते हो आप, ठीक है ना। एमआरपी पे यू आर फ्री टू आस्क फॉर द डिस्काउंट, गवर्नमेंट बोलती है जागो ग्राहक जागो, आप जो है आप बिल्कुल आपके पास फ्री राइट्स है दैट यू कैन आस्क फॉर द डिस्काउंट ऑन एमआरपी, प्योर दुकान वाला जो है एमआरपी पे डिस्काउंट देने के लिए बिल्कुल फ्री है, आप पूछ सकते हो उससे, आपका हक बनता ही है, क्योंकि एमआरपी मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस होती है, इट इज नॉट अ सेलिंग प्राइस, it is a maximum retailing price, and maximum you can ask this much, not more than that, lekin aap chaho to isko kam mein bhi bech sakte ho kyunki aapne kharida to isko uncle kisi aur rate pe hai, theek hai na। so ye hota hai concept of this one, to ye cheez aap log bhi hai jago grahak jago, theek hai, jag jao sare grahak, theek hai। to bilkul dukan pe ja ke aap bhi bola kariye uncle isme MRP table, to seedha bol diya karo MRP to uncle ye maximum retailing price hai, government ne fix kiya, aap batao isme discount kitna dogi, theek hai na। so you have to ask, ये जाग मानना चाहिए ना। अब क्वेश्चन आता है, चलिए मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस ये ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा फिक्स है, मैन्युफैक्चरर ने दे दिया, ठीक है। लिस्ट प्राइस क्या होता है, लिस्ट प्राइस भी यही होता है कि दैट इज द प्राइस दैट इज टैग्ड ऑन दिस वन, यानी आपका कोई भी आइटम अगर आपने खरीदा हुआ है तो उस पर एक स्टिकर टैग लगा होता है, प्राइस टैग लगा होता है, दैट इज सेट टू बी अ लिस्ट प्राइस, ठीक है ना। एंड दैट लिस्ट प्राइस इज गिवन बाय अगेन बाय द कंपनी नहीं दिया हुआ, यानी मैक्सिमम का मैक्सिमम रिटेल प्राइस वही आपका लिस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। अब आती है बात यहाँ पर कि अब देखिए यहाँ पे आपको डेफिनेशन, आइटम्स व्हिच आर मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्रीज आर मार्क्ड विद द प्राइस
अकॉर्डिंग टू द लिस्ट सप्लाइड बाय द फैक्ट्री एट व्हिच द रिटेलर इज सपोज टू बी सेल देम, है ना। यानी कहने का मतलब कि यही आपका है। अब जिसने एमआरपी नहीं लिखा होगा उसने पहले से एक टैग लगा होगा कि जैसे आपका ये, जैसे आपकी बुक्स आती आप देखते हो बुक्स के ऊपर भी लिखा रहता है, एक प्राइस लिखा रहता है, तो दैट इज सेट टू योर लिस्ट प्राइस। यानी जो ऑलरेडी प्रिंटेड रेट है दैट इज सेट टू बी अ लिस्ट प्राइस। लेकिन होता क्या है, शॉपकीपर क्या करते हैं उसके ऊपर अपना लिस्ट लगा, है ना। अब मुझे लग रहा है कि मुझे ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो मैंने क्या किया, इस लिस्ट प्राइस के ऊपर एक और इतना बड़ा स्टिकर लगा दिया, लिस्ट प्राइस अंदर हो गया, मैंने ऊपर से लिख दिया लिस्ट प्राइस में 200 रुपीज लिखा था, मैंने उसके ऊपर क्या लगा दिया 400 रुपीज। How can you know that कि आपका ये जो है, अब आपको आपको वही प्राइस टैग दिखेगा ना जो ऊपर लगा होगा स्टिकर। अब आप उसको निकाल के देखोगे तब आप देखोगे अरे नीचे तो कुछ और रेट। ऐसा होता है बहुत बार, अभी आप लोगों को बुक्स मिली होंगे तो आपने फाइंड आउट किया होगा स्टिकर लगाओगे तो स्टिकर निकालोगे तो नीचे कुछ और रेट होता है। मेरे कहने का मतलब समझ के हमें ज्यादा मत बोलिएगा, ठीक है। सो लिस्ट प्राइस दैट इज ऑलरेडी प्रिंटेड बाई द मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर उसने जो प्रिंट कर दिया दैट इज सेट टू बी अ लिस्ट प्राइस। लेकिन क्या करते हैं शॉपकीपर्स या बड़े बड़े जो रिटेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं उसके ऊपर अपना एक प्राइस टैग लगा देते हैं दैट इज सेट टू बी अ मार्क प्राइस, ठीक है ना। तो मार्क प्राइस वो शॉपकीपर या रिटेलर के द्वारा दी जाती है, ठीक है। तो जबकि आपका जो है लिस्ट प्राइस जो है दैट इज गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर, और लिस्ट प्राइस और एमआरपी दोनों क्या होते हैं एक ही चीज होते हैं। Is that clear? सभी कोई चीज समझ में आया, किसी के मन में कोई सवाल उठ रहा है प्लीज आस्क मी, ठीक है ना। मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में, शॉपकीपर्स कितना घोटाला करते हैं ना, ये भी आज समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। इसलिए बहुत इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अभी सभी को क्लियर होता है लिस्ट प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है। तो कभी भी अगर आपको किसी भी चीज के ऊपर स्टिकर लगा दिखे, है ना, आप जाते हैं मॉल्स में, जाते हैं मॉल में देखिए उनका खुद का स्टिकर लगा रहता है ब्रांड का, है ना। कॉस्ट लिखी रही शर्ट की कॉस्ट लिखी रहेगी 4599 रुपीज, सर वी आर ऑफरिंग अ डिस्काउंट टू यू, ऐसी बोलती है वहां पे लड़कियां बड़े यहाँ लिपस्टिक लगा के जो बड़े स्टाइल से जो है, सर वी आर ऑफरिंग यू अ डिस्काउंट ऑन द ऑनर ऑफ दिस, है ना, आपके ऑनर में हम आपको जो है 50% डिस्काउंट देते हैं, आप तो हमारे प्रिय कस्टमर हैं, मीठा मीठा बोलते हैं और ऊपर से छुरी मार देते हैं, ठीक है ना। तो उनके बहकावे में मत जाइएगा, बोलिए मैडम पहले एक काम करिए ना, ये जो आपने टैग लगाया ना इस टैग को निकालिए, इसका ओरिजिनल प्राइस तो बताइए कितना है, देन वी विल टेक। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, एंड प्लीज व्हाट इज दिस, ये सब क्या है सब, अभी सब ये मत बनाओ, ठीक है सर, जस्ट वेट, अभी तो मजा आना शुरू है, ठीक है। सो नाउ दिस इज योर मार्क प्राइस एमपी, ठीक है, एंड दिस विल बी योर लिस्ट प्राइस यानी एलपी। अब हम लोग मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इसको जानना चाह रहे हैं ना, इसके बारे में देखते हैं। तो होता क्या है कि अब डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट प्राइस तो अलग चीज हो गई, अब आपका जो शॉपकीपर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लिस्ट प्राइस पे सेल करेगा या अपना मार्क प्राइस करके सेल करेगा। ऑब्वियसली अगर हमने अपना मार्क प्राइस लगा दिया तो सबको पता है कि अंकल ये आपने तो रेट बहुत बढ़ा के लगाया सर, दूसरी दुकान हो सकता है दूसरे बगल वाली दुकान में जो है उसने क्या किया है, उसने जो है सेम लिस्ट प्राइस पे रखा हुआ है, ठीक है, बगल वाले उसने क्या मार्क प्राइस लगा लिया अपना। अब बोल दोगे अंकल उनके यहाँ से इतने का मिल रहा है, आपके यहाँ इतने का मिल रहा है, ऐसा क्यों, तो फिर वो क्या करते हैं, दे आर ऑफरिंग अ डिस्काउंट, दे आर ऑफरिंग अ डिस्काउंट, वो क्या करते हैं ऑफर करते हैं डिस्काउंट। अब यहाँ पे बात आती है डिस्काउंट, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस, डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है, वो कभी भी कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट नहीं होगा। कोई भी कस्टमर दुनिया का कितना भी बड़ा शॉपकीपर हो जाए, इवन अंबानी आ जाए, कभी भी कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट नहीं देंगे, ये आप हमेशा याद रखें, ठीक है ना। ये बिल्कुल ग्रेट लॉजिक है कि कोई भी व्यक्ति आपको कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट नहीं दे सकता है, डिस्काउंट विल बी ऑलवेज गिवन ऑन किस पे देगा, मार्क प्राइस पे देगा या लिस्ट प्राइस पे देगा हमेशा। तो क्या करते हैं सर, इफ वी डू लाइक दिस एवरी शॉपकीपर विल क्लोज देयर शॉप, सर इफ वी डू लाइक, ठीक है एक बार लिख दे बेटा समझ में आ गया। नहीं ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है कि बंद कर देगा बेटा, सब कस्टमर भगवान होता है, नहीं ऐसा नहीं प्राइस, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा, यू आर फ्री टू आस्क, आप कहाँ पे रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे, यू आर हैविंग अ राइट्स ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना, आपके पास बोलने का अधिकार है, बिल्कुल जाके बोल सकते हो। हो सकता है किसी अंकल ने बोल दिया अच्छा ठीक है चलो लाओ 1 रुपए कम दे दो, चलो
बच गया ना 1 रुपया, 1 रुपए के बारे में सोचो। अब बोलोगे सर 1 ही रुपया तो बचा। अगर उसने ऐसे ही 1000 कस्टमर पर डे 1-1 रुपया छोड़ा तो उसका तो 1000 रुपए का नुकसान हुआ। अब जरा कैलकुलेट करना एक साल में उसका कितना नुकसान होगा, दुकान वाला ये कैलकुलेट कर लेगा, समझे? हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, ये चीज अंदर से है ना। तो 365 × 1000 कर लीजिएगा, देखिए कितने का नुकसान होता है उसका 1 रुपया डिस्काउंट देने पे, इसीलिए वो नहीं देगा। ठीक है, हमको आपको 1 रुपया दिख रहा होता है, उसको कितना अमाउंट दिख रहा होगा ना, आप इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, 365,000 साल का नुकसान नहीं उठा सकता है वो, इट इज अ बिग अमाउंट। ठीक है, चलिए फिर हम लोग उसको बात करते हैं, अभी यहाँ पे आ जाते हैं। So now it is a mark price, it is a list price, it's a understand हो गई चीजें। So discount is always given on mark price पे दिया जाता है। अगर mark price नहीं है then discount is given on list price, लेकिन कभी भी cost price पे discount नहीं देगा कोई भी। Clear? तो यानी अब हम जो भी बातें करेंगे ना, discount calculate करेंगे, that will be always calculated on mark price and list price, हम उसकी बातें करेंगे। ठीक है, अब इस चीज क्लियर हो गई। तो अब देखिए डिस्काउंट तो समझ में आ गया, डिस्काउंट क्या है, कैसे देंगी सारी चीजें। तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, तो डिस्काउंट किसके बराबर होगा, दैट इज अब जो भी डिस्काउंट आपको दिया जाएगा, डिस्काउंट इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ मार्क प्राइस अगर है तो, नहीं तो क्या है लिस्ट प्राइस, और नहीं है तो लिस्ट प्राइस की जगह भी क्या रहता है एमआरपी रहता है। ठीक है, नहीं x परसेंट अगर आपको दिया, डिस्काउंट विल बी x, वी आर हैविंग अ x परसेंट डिस्काउंट, सो दैट x परसेंट हाउ इट इज कैलकुलेटेड, दैट इज x परसेंट ऑफ मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस है, एमआरपी किसी का भी हो सकता है लेकिन कॉस्ट प्राइस का नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब डिस्काउंट आपने कैलकुलेट कर लिया, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलता है, अभी तो कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलता है, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा, जो भी डिस्काउंट होगा अपॉन, अब डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट हो रहा है, मार्क प्राइस पे कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पे हमेशा किस पे होगा, मार्क प्राइस होगा या लिस्ट प्राइस होगा या एमआरपी होगा, इनमें से भी होगा, इनटू 100 होगा और परसेंटेज लगा होगा। अभी तक हम लोग प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट करते थे, that we are calculating on cost price, इसलिए हमेशा जो है denominator में क्या रहता था, cost price रहता था, लेकिन क्योंकि हम लोग discount किस पे calculate करते हैं, we will calculate on mark price, we will calculate on list price, MRP पे calculate करते हैं, that's why discount जो हम percentage calculate करते हैं, तो discount upon MP या LP या आपका MRP वहाँ पे formula में होता है, understand? अब यहाँ पर देखिए, फिर एक और logic बताते हैं। कॉस्ट प्राइस में शॉपकीपर ने खरीदा, उसके ऊपर अपना एक टैग लगाया, मार्क प्राइस बना दिया, मार्क प्राइस बनाने के बाद उसने क्या किया, उस पे डिस्काउंट दे दिया, एक डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस निकल कर आएगा दैट इज सेट टू बी अ सेलिंग प्राइस। अब आपका वो सेलिंग प्राइस क्या लगेगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, दैट इज आफ्टर दिस वन। अब हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे ना वो यहाँ से यहाँ कर रहे होंगे, लेकिन अभी भी जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन होगा ना वो यहाँ से यहाँ होगा, यानी हम डिस्काउंट यहाँ पे देंगे तो ये हमारा मार्क प्राइस है, डिस्काउंट देने के बाद हमको एक प्राइस मिला, दैट इज सेट टू बी अ सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस हम मार्क प्राइस से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का कंपैरिजन आज भी हम किससे करेंगे, यानी इसीलिए दुकान वाले को जो प्रॉफिट होता है। ठीक है ना, तो कैसे प्रॉफिट हो रहा है कि उसने आपको ये वाला प्राइस दिखाया, 100 का खरीदा, 200 मार्क किया, आपको जो 200 पे आपको 10% का ऑफ दिया, कितना पड़ा, 180 रुपीस पड़ा। अब आप यहां से कंपेयर करिए, इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है ना, अभी इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। हेलो, हाँ हाँ बोले बोले, नहीं नहीं देखिए बुक वही है स्टैंडर्ड मैथ, स्टैंडर्ड बेसिक मैथ का, लेकिन एग्जाम में पेपर होगा ना वो डिफरेंट होगा, स्टैंडर्ड मैथ का पेपर अलग होगा और बेसिक मैथ का पेपर अलग अलग होगा। ठीक है, बेसिक मैथ टोटली बेस्ड होगी एनसीईआरटी पे, स्टैंडर्ड मैथ थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी होंगे,
अदर रूट्स के भी, ठीक है। तो रीजन होता है कि स्टैंडर्ड मैथ्स हमने उनके बनाया हुआ है, जो बच्चे मतलब साइंस में मैथ्स लेना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, है ना, उनके लिए स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर। अब जो बच्चा आर्ट्स लेना चाहता है, कॉमर्स लेना चाहता है, उसको कोई लेना नहीं है, तो उसके लिए का पेपर उसके रिजल्ट में मार्क्स कम आए तो ऐसा काम भी सीखने के लिए बेसिक मैथ बना दिया तो लेट वो भी पास हो जाए। तो एक ऑप्शन हम लोगों ने ये सीबीएसई बोर्ड में ये रखा हुआ है, इसलिए उन्हें बेसिक मैथ दे दिया, वो थोड़ा सा इजी रहता है बच्चों के लिए, अपने उनको आगे चल के मैथ्स नहीं पढ़ने तो अभी लोग भी स्कोर कर रहे हैं मार्क्स। लेकिन अगर मैथमेटिक्स से लेकर आगे इंजीनियरिंग करनी है, वो करना है, देन आपके लिए तो जो है वो स्टैंडर्ड मैथ्स ही, ठीक है, साइंस साइड लेना है स्टैंडर्ड मैथ्स ही, अगर आपको कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, ठीक है, तो आप बेसिक मैथमेटिक्स से भी जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्वेश्चंस में, तो पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ सकते, मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड मैथ्स ही डाल दीजिए, फिर कल को देखेंगे क्या ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए, सो नाउ इट इज क्लियर। तो ये आपको जो है ना, ये डायग्राम हमेशा रिमेंबर करना है, इस डायग्राम को रिमेंबर करिएगा कि कॉस्ट प्राइस होता है जिसपे शॉपकीपर ने परचेस किया, उसके बाद उसने उसके ऊपर अपना एक टैग लगा दिया, दैट इज सेट टू बी अ मार्क प्राइस, मार्क प्राइस को उसने डिस्काउंट ऑफर किया, ठीक है ना, उसने डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस का रेट कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो भी प्राइस होगा उससे सेलिंग प्राइस हमेशा कम होगा, तो आपको लग रहा होगा भैया नुकसान हो गया उसको, और नुकसान हमको इतना सारा छोड़ दे दिया, बट एक्चुअल में आप देख रहे होगे ना कंपैरिजन तो यहाँ पर होगा, कंपैरिजन प्रॉफिट और लॉस आज भी कहाँ पे कैलकुलेट होगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस भी होगा, ठीक है। आपसी सारी डील कहाँ से होंगी, इससे होंगी, लेकिन उसकी सारी डील कहाँ से हो रही होगी, इससे हो रही होगी, तो ये लॉजिक है, ये पूरा मैथमेटिक्स है किसकी, प्रॉफिट कमाने। अब आपको सोचिए, अब आपने डिस्काउंट दिया, उसने 10% का डिस्काउंट दिया, आपने बोला अंकल आप तो अपने अंकल आप उनको बताइए 10% देंगे, सबको 10% दे रहे हैं अंकल, हमारा तो ऑफर बनता है ना, तो बोलेंगे चलिए भैया आपके लिए 20% दे दिया, 20% दे दिया, कितना हो गया 40 rupees हो गया, 40 माइनस कर दिए कितना जाएगा, अभी भी 160 हो गया, अभी भी भैया 60 rupees का प्रॉफिट ले रहे हैं, 50% का जब डिस्काउंट देंगे ना तब भी उनको नुकसान नहीं होगा। आप देखते हैं दुकानों पे जाते हैं 50% का ग्रेट सेल ऑफर आ रहा है तब भी शॉप दुकान चल रही है, कैसे चल रही है, क्योंकि 50% का डिस्काउंट देने के बाद कितना पड़ेगा 100 rupees, तब भी क्या होगा इक्वल होगा, लॉस नहीं होगा। ये है लॉजिक बिहाइंड दिस मार्केटिंग, ठीक है, समझ में आया सभी को। तो ये चीजें अब आपको जब भी कैलकुलेशंस करनी है ना, तो आपको ये माइंड सेटअप बिल्कुल रेडी होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस अलग है यहाँ पे, मार्क प्राइस अलग है, डिस्काउंट मार्क प्राइस में निकलता है, डिस्काउंट परसेंट भी हम इसी मार्क प्राइस से निकालेंगे, यानी अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या मिलेगा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट, अब जैसे कि आप क्या करते थे प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है और आपको कॉस्ट प्राइस दिया है तो आप सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर डिस्काउंट परसेंट दिया है मार्क प्राइस दिया है तो क्या हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं, यस कैलकुलेट कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू जाता है, सेम वही फॉर्मूला यूज होगा 100, क्योंकि डिस्काउंट में तो हमेशा माइनस ही होता है, डिस्काउंट में तो प्लस का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इनटू, क्योंकि मार्क प्राइस में कैलकुलेट होता है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिर्फ मार्क प्राइस है, देखिए सिर्फ सीपी चेंज हुआ है और यहाँ पे लॉस की जगह हमने डी परसेंट यानी डिस्काउंट परसेंट लिख दिया, आप देख रहे हैं सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला वही का वही है, क्यों, रीजन क्या है, हमने आपको बताया था कि जो परसेंटेज पे चल रहा है, हम परसेंटेज चैप्टर को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू, हम तो यही पढ़ रहे थे, ये तो सिर्फ नाम बदलते जाएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट वही पढ़ रहे हैं, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू, तो हम न्यू वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था, 100 माइनस इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट अपॉन 100 इनटू ओल्ड वैल्यू, तो सेम फॉर्मूला तो आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं आप, तो फॉर्मूला विल बी द सेम वन, एक ही फॉर्मूला जो पढ़ा था पहले वही फॉर्मूला आज भी चल रहा है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये समझ में है, तो ठीक है। अब सेम इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मार्क प्राइस, अब अगर आपको मार्क प्राइस कैलकुलेट करना है तो आपने ओल्ड वैल्यू का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है,
ओल्ड वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास क्या, दैट इज न्यू वैल्यू यानी सेलिंग प्राइस इनटू 100 डिवाइडेड बाय द 100 माइनस डिक्रीज परसेंट, क्योंकि यहां पे डिक्रीज होता है तो डिक्रीज यानी आपका डिस्काउंट हो रहा है यानी डिस्काउंट, ये फॉर्मूला बन गया। यानी एक ही फॉर्मूला सीखा था मैंने, हमने शुरू से इसी देखा था कि हम एक फॉर्मूला ये बता रहे हैं और एक फॉर्मूले पे हम कई चैप्टर आपको पढ़ा डालेंगे, ठीक है ना। वो एक फॉर्मूला आपको अंडरस्टैंड हो गया, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया, तो फिर ये सब तो उसी पे बेस्ड है। ये ओल्ड वैल्यू है, ये न्यू वैल्यू, ये ओल्ड वैल्यू है, ये न्यू वैल्यू, आप जहां चाहे उसको चेंज कर लीजिए, चेंज करिए, फॉर्मूले बनते जाएंगे, फॉर्मूले बनते रहेंगे। बस आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए विच वन इज द ओल्ड वैल्यू एंड विच वन इज द न्यू वैल्यू, इज दैट क्लियर? ठीक है, यस, आयुष बिल्कुल, हम फिर से अभी बताएंगे, हम बहुत बार इसको बताएंगे, क्योंकि हमें पता है अगर बच्चे को यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया तो न्यूमेरिकल्स को 5 मिनट में सॉल्व कर देंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इसको जो है टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ यहाँ पे हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमने आपको एक परसेंटेज पढ़ाया था कि एक होती है ओल्ड वैल्यू, एक होती है न्यू वैल्यू। जब भी आप किसी चीज में इंक्रीज करते हैं या इंक्रीज करेंगे या हम क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे, तो डिक्रीज करने से हमें क्या एक न्यू वैल्यू मिलकर आएगी, इंक्रीज करेंगे तो भी न्यू वैल्यू मिलेगी, डिक्रीज करेंगे तब भी न्यू वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द न्यू वैल्यू, तो हमने न्यू वैल्यू के लिए फॉर्मूला बताया था कि न्यू वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू 100 प्लस, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, नहीं तो माइनस, ठीक है ना, जो भी होगा इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट होगा आपका, ठीक है, अपॉन 100 इनटू ओल्ड वैल्यू, ये हमने आपको सिखाया था। अब आप देखिए ना, अगर हम इन दोनों को ले लेते हैं तो दिस वन इज ओल्ड, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ओल्ड वैल्यू, राइट हैंड साइड पे आपकी हमेशा क्या है, दैट इज न्यू वैल्यू। तो अगर आपका मार्केट प्राइस क्या है, आपका ओल्ड वैल्यू है, ये आपका क्या है, न्यू वैल्यू है, देन जस्ट सी द फार्मूला, न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू 100 माइनस क्या है, मतलब माइनस को करें डिस्काउंट को हमेशा रिड्यूस होता है, डिस्काउंट करता प्राइस को रिड्यूस करें डिक्रीज कर रहा है, दैट इज वी हैव टू राइट हियर माइनस, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इनटू ओल्ड वैल्यू, यानी आपका ओल्ड वैल्यू क्या था, मार्केट प्राइस। सो दिस वन इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना। अगर आप इन दोनों की बात करोगे, इसको हटा दीजिए, जो प्रीवियस अभी हम लोग पढ़ रहे थे, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस पढ़ रहे थे, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पढ़ रहे थे, तो ये हमारी न्यू वैल्यू थी, हमारी ओल्ड वैल्यू, सेम फॉर्मूला, क्लियर, फॉर्मूला विल बी द सेम, तो ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। घर में जाइए और इसको जो है ना, इसको इसको बिल्कुल रेडी है ये चीज, इसको अंडरस्टैंड करिए कि ये क्या है, ये समझ में आता है तो सारी चीजें समझ में आती है, ठीक है। तो आपने ये पढ़ लिया, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस डिस्काउंट, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, एक्स परसेंट ऑफ मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस एंड दिस एमआरपी हो सकता है, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस भी हो सकता है, लिस्ट प्राइस भी हो सकता है, एमआरपी भी हो सकती है, इनटू 100 इनटू परसेंटेज वहां पे लगा लेंगे। How we can calculate the selling price when discount is offered to you? So selling price equal to the 100 minus discount percent upon 100 into mark price. Mark price equal to kitna jayega? The selling price into 100 upon 100 minus discount percent. So these are the formulas that we are going to use here. अब इसमें complicated question कब मिलेगा? जब आपको क्या करेगा? यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ आए। इसीलिए हमने ये diagram बना दिया picture. अभी एक और चीज जुड़ेगा, sale tax. एक और ट्रेन का डब्बा जुड़ जाएगा, ट्रेन लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। अभी अभी तो हमने सिर्फ, अभी हम लोग दो ट्रेन, दो बोगीज पे चला रहे थे, तीसरी बोगी होगी, अभी एक चौथी बोगी और जुड़ेगी, सेल टैक्स, फिर वही कहानी, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू, आप करते रहिए, आंसर आता रहे, क्लियर। आई होप आज का आप लोगों को समझ में आया होगा। यस, अभी थोड़ी देर में आपको हम अपलोड कर देंगे, आप इस वीडियो को फिर से देखिए, ठीक है ना, देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट द सर वांट्स टू से, सर कहना क्या चाहते थे, समझाना क्या चाहते थे।